दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आपकी फेवरेट सीरियल सात शनिवार का साथ ही हमें चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ देखने को मिलेगा अब एक धमाकेदार पार्टी। जी हाँ दोस्तों, दादा और दादी अब कबीर के फिर से रिहा होकर आने से काफ़ी खुश हैं और वो एक पार्टी रखने वाले हैं जो कि काफ़ी धमाकेदार होगी। और इस पार्टी में होगा कुछ ऐसा जो कि कबीर और गहना यानी सूर्य और गहना के होश उड़ा देगा। देखने को मिलने वाला है कि इस पार्टी में गहना और सभी घर वाले यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक बॉलीवुड थीम पर रखने वाले हैं पार्टी, जिसमें कि सब अलग अलग कैरेक्टर बनकर आने वाले हैं। तो साथ में ही यहाँ पर अनंत की एंट्री होगी, जिसने सुपारी एक बार फिर से अर्जुन को दे डाली है उनको मारने की। और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उसने पहले भी पैसे दिए थे गहना को मरवाने के, लेकिन गहना को ये लगता है कि शायद उसको सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। अगर सच्चाई पता होती तो अनंत कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करता, लेकिन उसे पता भी नहीं है कि अनंत जिंदा है और वो अभी भी उसे मरवाने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर भले ही सलाखों के पीछे होगा, लेकिन यहाँ पर गहना की एक नई मुसीबत आ चुकी है और देखने को मिलेगा गहना को मरवाने की कोशिश कर रही है कर रहा है अनंत अर्जुन के जरिए, और यहाँ पर उसे पैसे भी दिए गए। अब देखना होगा कि सिकंदर के पास भी ये खबर पहुँचेगी और सिकंदर भी शॉक्ड हो जाएगा कि आखिर वो कौन है जो कि गहना को मरवाना चाहता है, यानी कि उससे भी बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि भाई गहना के पीछे इस पार्टी में आनंद भी पहुँचेगा और कबीर और गहना का डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और एक बार फिर से यहाँ पर हंगामा होने वाला है और गहना शॉक्ड हो जाएगी। और गहना को यही लगेगा कि शायद सिकंदर जेल में बैठा बैठा उसे मरवाने की कोशिश कर रहा है और उसने काफ़ी हमले करवा दिए हैं। और कबीर इस बात से नाराज होकर सिकंदर से पूछने भी पहुँचेगा, लेकिन सिकंदर कह देगा कि भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो देखने को मिलने वाला है कि अब ये नए दुश्मन यानी कि आनंद, जो कि इनका एक विलन बनकर लौटा है, उनकी सच्चाई कैसे गहना के सामने आती है और कुछ ऐसा सबूत गहना के हाथ लगेगा जो साबित कर देगा कि आनंद जिंदा है और वो ही कहीं इसे मरवाने की कोशिश अभी तक तो नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि कैसे आनंद और गहना का आमना सामना होता है।